एवरीवन, स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ हमारी नई सीरीज फ्रेम क्राफ्ट के बारे में. इन दिस सीरीज आई एम गोना प्रैक्टिसिंग माय विजुअल इफेक्ट्स स्किल्स एंड चैलेंज माय सेल्फ टू क्रिएट सीक्वेंसेस, शॉट्स, इफेक्ट्स फ्रॉम फेमस मूवीज एंड देन आई एम गोना शेयर माय एक्सपीरियंस एंड होल प्रोसेस विद यू गाइस. एंड ऑल्सो मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि मैंने उस सीन को बनाने के लिए कौन कौन से एसेट्स यूज किए, कौन से साउंड इफेक्ट्स यूज किए, कहाँ से लिए, कहाँ से नहीं, एंड everything obviously, मतलब इतना डिटेल में जाकर नहीं, बट एक ओवरऑल ब्लू प्रिंट टाइप का तुमको दे दूंगा कि मैंने कैसे बनाया और मैं अपना एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ शेयर करूंगा. तो इस बैटल सीन को बनाना डिफिकल्ट और चैलेंजिंग तो होने वाला है क्योंकि ये कम्प्लीटली प्रैक्टिकली शूट किया गया था. इसमें एक्सप्लोजन, हेलीकॉप्टर ब्लास्ट सब कुछ प्रैक्टिकल था, सब कुछ ऑन कैमरा लाइक स्पेशल इफेक्ट के साथ किया गया था. वीएफएक्स वाला मुझे इसमें कुछ ज्यादा सीन नहीं लग रहा और हम इसको 100% वीएफएक्स में क्रिएट कर रहे हैं तो ये उतना रियलिस्टिक और सेम तो लगने नहीं वाला है. और चैलेंजेस हो गए इसमें बहुत. अपने आपको और चैलेंज करने के लिए ये एक तरह से रूल भी बोल सकते हो कि मुझे सीजीआई एनवायरमेंट नहीं बनाना है. मुझे मेनली जो वो ट्रेडिशनल वे है सिनेमा में लाइक मैट पेंटिंग, तो उसी का मुझे यूज कर इसमें बैकग्राउंड वगैरह को रिप्लेस करना है. इसमें एक चीज हमने सीजीआई रखी है जो कि हेलीकॉप्टर, उससे मैं ज्यादा रखना भी नहीं चाहता था और अपने उस पर ज्यादा काम भी नहीं किया है. जस्ट एक हेलीकॉप्टर को लाकर एक एसडीआरआई वगैरह लगाकर सिंपली बोल सकते हैं मोटा मोटा सा ऊपर एक सीजीआई से उसको बना दिया क्योंकि हमें उस पर ज्यादा काम बिल्कुल नहीं करना. और इसमें मेरा मेन फोकस था एक्सप्लोजन शॉट्स को बनाना और बैकग्राउंड को कंपोजिट करना अपनी फुटेजेस में. ये मेरी कंपोजिटिंग की पूरी पूरी प्रैक्टिस है, बैकग्राउंड, एक्सप्लोजन, स्मोक्स एक्सेट्रा सब कुछ. स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हमें टोटल 16 शॉट्स लेने हैं 13 डिफरेंट कैमरा एंगल से और उन टोटल 16 शॉट्स को मिलाकर टोटल ओवरऑल 52 टू 53 शॉट्स बनाने हैं इंक्लूडिंग द सिंथेटिक वंस जिनको हमने कंप्लीटली पोस्ट प्रोडक्शन में बनाया है सीजीआई एलिमेंट्स का यूज कर और बैकग्राउंड एलिमेंट्स का यूज कर. और मेनली हमारे शॉट्स डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में. पहले पार्ट में जो हमने जितना भी शूट किया वो वाले शॉट जिसमें हमें बैकग्राउंड की कंपोजिटिंग करनी है और उसके बाद कुछ शॉट्स है जिनमें हेलीकॉप्टर भी हमें डालना होगा तो वो वाले शॉट्स को मैंने अलग रखा है. और उसके बाद कुछ शॉट्स है जिसमें एक्सप्लोजन और फायर को कंपोजिट करना होगा, उन शॉट्स को मैंने अलग रखा है. तो सबसे पहले हम पहले वाली कैटेगरी के शॉट्स पर काम करेंगे जिसमें सिर्फ हमें बैकग्राउंड वगैरह कंपोजिट करना है. सो स्टेप 1 बेसिकली बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट. और बैकग्राउंड को रिप्लेस करने के लिए मैंने ये पूरे बैकग्राउंड जो है वो खुद से बनाए हैं और वो मैंने कैसे बनाया वो मैं तुम्हें एपिसोड 3 में बताऊंगा जो कि आएगा परसों, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना. और उसको कंपोजिट करने के लिए मैं आफ्टर इफेक्ट्स में फुटेज को लेकर गया और फुटेज को ले जाने के बाद मैंने अपने बैकग्राउंड को ट्रैक कर लिया. और अगर मैं इसमें ट्रैकिंग मार्कर लगाता तो मुझे ज्यादा ईजी हो रहा था क्योंकि मेरा जो नेटिव कैमरा ट्रैकर है वो नहीं चल रहा था, तो इसलिए मैंने यूज किया मोका AE इफेक्ट का जो कि तुम्हें आफ्टर इफेक्ट्स के साथ मिल ही जाता है. मोका में जाके मैंने बस अपनी शेप बनाई बैकग्राउंड के आसपास और उसको ट्रैक कर लिया. ट्रैक करने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स की विंडो में वापस आकर इफेक्ट्स के अंदर मैंने ट्रैकिंग डेटा क्रिएट किया. ट्रैकिंग डेटा क्रिएट कर उसको नल पर अटैच कर दिया. उसके बाद प्रो मैंने हर शॉट को रोटोस्कोप किया विच इज द वर्स्ट डिसीजन ऑलमोस्ट आई मेड. बट हाँ उस टाइम पे हमारे पास जो रिसोर्सेज थे उस पे रोटोस्कोप ही ज्यादा बेटर रहता, तो आई चूज दैट एंड आई हैव टू गो थ्रू दैट. और मैंने लिटरली इतनी ज्यादा रोटोस्कोपिंग की है ना इस पे कि मुझे सब्जेक्ट और पीछे का बैकग्राउंड उसके बीच का फर्क दिखना बंद हो गया था, तो तुम समझ सकते हो कि किस लेवल तक इंटेंस गया होगा. तो इसीलिए मैंने इतनी रोटोस्कोपिंग की है, तो रोटोस्कोपिंग की कुछ टिप्स. द फर्स्ट टिप इज यूज कीइंग इफेक्ट्स लाइक क्रोमा की, लूमा की और प्राइमेटियर अगर तुम्हारे पास रेड जायंट का यूनिवर्स है तो. और अगर तुम्हारी फुटेज भी अलाउ करती है लाइक उसमें अगर स्काई है पीछे कुछ ग्रीनरी टाइप है तो वो भी उसे तुम यूज कर सकते हो. उसके साथ साथ तुम इफेक्ट्स यूज करो, मास्क यूज करो और इस सबके साथ तुम रोटो ब्रश इफेक्ट को कंबाइन करो और उसके बाद तुम्हारा रिजल्ट तुम्हें ज्यादा अच्छा मिलेगा, कन्वीनियंस हो जाएगी, तुम्हें पूरा पूरा रोटोस्कोप नहीं करना पड़ेगा. एक ओवरऑल स्ट्रक्चर रोटोस्कोप किया और उसके बाद बाकी के इफेक्ट्स के साथ. एंड टिप 2, ये जो हार्ड आउटलाइन बन जाती है रोटोस्कोप करने के बाद उसको रिमूव करने के लिए तुम यूज कर सकते हो रिफाइंड सॉफ्ट मैट इफेक्ट का. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रैक्टिस. एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें पहला शॉट दिखाता हूँ. ये जो पहला शॉट मैंने किया इसका रोटोस्कोप बहुत बेकार हुआ था और उसके बाद जो ये ऑलमोस्ट लास्ट शॉट मैंने ये किया था तो इसका रोटोस्कोप तुम देख सकते हो कितना बेटर हुआ है. और रोटोस्कोपिंग करने के बाद मैंने अपने बैकग्राउंड वाले लेयर उसमें ऐड की और उसको साइज में थोड़ा सा बड़ा कर और उसके बाद मैंने उसको नल से पेरेंट कर दिया जिससे कि वो हमारे शॉट के साथ साथ जो कैमरा का मोशन है वो उसमें आ जाएगा. और कुछ कुछ शॉट्स में तुम कैमरा ट्रैकिंग का भी यूज कर सकते हो बट मेरे वाले शॉट्स में वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा था तो मैंने अभी उसको इतना यूज नहीं किया. कुछ एक दो शॉट्स में किया है बट सब में नहीं किया और इसी मेथड से मैंने सारे शॉट्स बाकी के भी बनाए. द नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐड हेलीकॉप्टर इन द
shots. तो अब सारे CGI elements बनाने के लिए हमको CGI elements की जरूरत पड़ेगी, जो कि मैंने सारे इंटरनेट से डाउनलोड, तो हेलीकॉप्टर मुझे मिला है CG Trader से, shout out to the creator. Soldier और उसकी animation मुझे मिली है Mixamo से, तुम इजीली वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो, तुम्हें एनिमेशन में मिल जाएगी और सोल्जर मिल जाएगी. और गन का मॉडल मैंने लिया था Sketchfab से, shout out to the creator. This guy. और हेलीकॉप्टर में अपनी ही एक ब्लेंडर फाइल भी थी, तो मुझे और भी ज्यादा आसानी होगी, तो मैंने सिर्फ ब्लेंडर फाइल को खोला और उसमें पहले से एनिमेशन थी इसके चॉपर्स के लिए, तो वो भी एक बहुत बढ़िया चीज हो गई मेरे लिए. तो मैंने ब्लेंडर में वो फाइल खोलने के बाद पहले अपने सोल्जर के मॉडल को इम्पोर्ट किया, और इम्पोर्ट करने के बाद मैंने उसको पोजिशन किया और उसको प्लेस कर दिया हेलीकॉप्टर के अंदर, और उसके बाद मैंने उसको हेलीकॉप्टर के इस इंटीरियर डिजाइन के साथ पेरेंट कर दिया बाय सिलेक्टिंग बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, देन राइट क्लिक, देन पेरेंट, देन ऑब्जेक्ट. और उसी के साथ साथ मैंने जो हेलीकॉप्टर का दरवाजा है उसको भी हटा दिया, और कुछ कुछ ये दरवाजे के साथ जो छोटे मोटे एलिमेंट्स थे मैंने उनको हटा दिया जो कि मुझे जरूरत नहीं लगी. और उसके बाद मैंने गन को इंपोर्ट किया और उसको मैंने पोजीशन किया अपने सोल्जर के पोज के हिसाब से, और उसके बाद मैंने उसको सोल्जर के साथ पेरेंट कर दिया. और उस सब के बाद इस एनिमेशन को मैंने एक्सपोर्ट कर लिया एज एन ओबीजे सीक्वेंस, ताकि मैं इसको एलिमेंट 3D में बाद में खोल सकूं, जिससे मुझे कंपोजिट करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि एलिमेंट 3D वो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर ही होता है. तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, फाइल पे जाना, एक्सपोर्ट पे जाना है, वेव फ्रंट ओबीजे, और ध्यान रखना कि तुम इस एनिमेशन के चेकबॉक्स को चेक कर दो. देन इन आफ्टर इफेक्ट्स एड अ सॉलिड, एड एलिमेंट 3D इफेक्ट, और एलिमेंट 3D इफेक्ट के बाद तुम्हें उसकी विंडो में जाना है, विंडो में जाकर इम्पोर्ट ओबीजे सीक्वेंस, और अपना सीक्वेंस इम्पोर्ट करना है और उसमें मटेरियल वगैरह लगाने. देन उसके बाद बैक इन आफ्टर इफेक्ट्स विंडो हमको एक नल ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है, ताकि जिससे हम अपने इस 3D ऑब्जेक्ट को कंट्रोल कर पाए. सो फॉर दैट इन आफ्टर effects window, go to effects, world transform, create world transform null, और उसके बाद मैंने इस null का use करकर अपने helicopter को animation दे दी है जैसा कि scene के हिसाब से चाहिए थी. But यहाँ पर एक बहुत बड़ी problem है. अब तुम्हें पता ही कि हमने इसे OBJ sequence में export किया था और वही हमने element 3D में import किया है, तो उस OBJ sequence की वजह से इसमें motion blur नहीं आ रहा है अच्छे से, और ये तुम उस series का shot देख सकते हो जिसमें कितना बढ़िया motion blur है, और हमारे वाले में इसमें बिल्कुल motion blur नहीं है. So to fix that, I went back into Blender और मैंने उसमें अपने choppers को हटा दिया, और choppers को हटाने के बाद मैंने उसको दोबारा से एक OBJ sequence में export किया, और export करने के बाद मैंने उसे element 3D में खोला, और उसके बाद back in element और OBJ sequence को मैंने change कर दिया इस वाले sequence से जिसमें helicopter के chopper नहीं है, और उसके बाद मैंने उस helicopter का OBJ model import किया, और import करने के बाद सिर्फ उसमें choppers को visible रखा, मैंने उसकी auxiliary channel को या फिर उसके pivot point को उसके center पर shift कर दिया, और वो तुम इस button पे क्लिक कर सकते हो, बाकी उसको तुम जहाँ भी रखोगे उसके बाद तो वहीं पर शिफ्ट हो जाएगा. इससे क्या होगा, जब भी हम उसकी पोजीशन, रोटेशन या उसके साइज को चेंज करेंगे तो वो उसी ऑक्सिलरी पॉइंट के अराउंड चेंज होगा, और ऐसा ही तुम्हें हेलीकॉप्टर के पीछे वाले ब्लेड्स के साथ करना है. उसके बाद दोनों ब्लेड्स वाली लेयर को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद तुम्हें राइट क्लिक करना है ऑक्सिलरी एनिमेशन, और उनको ऑक्सिलरी चैनल 1 और चैनल 2 में डाल, जिससे हम इसको एनिमेट कर पाएंगे आफ्टर इफेक्ट्स विंडो में. तो आफ्टर इफेक्ट्स में तुम्हें ग्रुप 1 पे क्लिक करना है ऑक्स चैनल, एंड देन एनिमेट द रोटेशन प्रॉपर्टीज हाउएवर यू वांट. और उसके बाद तुम्हें रेंडर सेटिंग्स में जाना है, देन टर्न ऑन मोशन ब्लर, और सैंपल साइज को तुम्हें 30 शिफ्ट कर देना है, प्रॉब्लम फिक्स. और उसके बाद जो हमने नल ऑब्जेक्ट बनाया था उससे मैंने हेलीकॉप्टर को थोड़ा और एनिमेट कर लिया जहां जहां जरूरत थी, और इस शॉट के लिए जिसमें हमारा सोल्जर गिर जाता है मैंने Mixamo से ये वाली एनिमेशन डाउनलोड की है. उस गन के स्कोप वाले कैमरा एंगल को बनाने के लिए मैंने अपने सब्जेक्ट की वीडियो उठा ली थी इस क्लिप से, और उसको छोटा कर दिया था और एक तरह से बस सेंटर में प्लेस कर दिया, और उसके बाद मैंने एक ब्लैक सॉलिड ऐड किया, उसमें एक सर्कुलर मास्क बनाया, और उसके बाद मैंने उस मास्क को इन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद मैंने बस पेन टूल से नॉर्मली स्ट्रेट ब्लैक लाइंस ऐड करी, और उसके बाद इन्हीं लाइंस को डुप्लीकेट कर मैंने थोड़ा सा और पतला कर दिया, और जो हमने मास्क बनाया था उस ब्लैक सॉलिड पे मैंने उसी मास्क को कॉपी किया, जो ये मोटी वाली लाइन है इसके ऊपर हमने लगा दिया, और उसके बाद मैंने इस मास्क को थोड़ा सा छोटा कर दिया, एंड देन आई एडेड अ टेक्स्ट लेयर एंड टाइप्ड अल्फाबेट आई यूजिंग द पॉपिन फॉन्ट, और उसके बाद उसके तीन और डुप्लीकेट बनाकर मैंने उन तीन लाइंस के ऊपर रख दिया, और उसके बाद मैंने एक नल ऑब्जेक्ट बनाई, नॉर्मल सी विगल एक्सप्रेशन ऐड कर दी, सब्जेक्ट और जो मेरा बैकग्राउंड था उस नल ऑब्जेक्ट से लिंक कर दिया, जिससे वो थोड़ा थोड़ा ऐसे विगल होते हिलता रहेगा और वो हमें कैमरा शॉट मिल जाएगा. और उसके बाद जो हमारा थर्ड पार्ट बचा था फायर एंड एक्सप्लोजन शॉट, वो मैंने कैसे किया पूरा वो मैं तुम्हें प्रोसेस बताऊंगा कल वाली वीडियो में, तो उसके लिए सब्सक्राइब, जो कि सेम टाइम पे आएगी कल 12 बजे, यू नो. और बैकग्राउंड रिप्लेस करने के बाद मैंने उसमें और भी एलिमेंट्स डाले हैं, जैसे कि कुछ ये डस्ट ब्लास्ट एलिमेंट्स, कुछ स्मोक्स बीच बीच में, और ये डस्ट ब्लास्ट एलिमेंट्स मैंने कुछ कुछ लिए थे वीडियो को पायलट के एक्शन एसेंशियल पैक से, और कुछ कुछ मैंने यूट्यूब से उठाए थे, और कुछ कुछ प्रोडक्शन क्रेडिट से उठाए. एंड टू रैप ऑल ऑफ दिस अप मैंने इन शॉट्स को बस प्रीमियर में बिठाया, उसके बाद शेक इफेक्ट्स ऐड किए, कलर ग्रेडिंग ऐड की, और उसके बाद एक मेजर पार्ट साउंड इफेक्ट एंड म्यूजिक. एंड हमेशा से साउंड इफेक्ट और म्यूजिक ही तुम्हारे पूरे शॉट्स को कन्विंसिंग बनाते हैं. तुम जितना मर्जी ऐसा शॉट बना लो, अगर साउंड और म्यूजिक बेकार है तो देन
तो स्पेंड टाइम ऑन साउंड इफेक्ट्स। और मैं तुम्हें ये जरूर बता देता हूँ कि मैंने किस किस तरह की साउंड इसमें यूज किया, किस किस तरह का म्यूजिक इसमें यूज। तो मैंने इसमें यूज किया कुछ हॉरर साउंड इफेक्ट्स, हेलीकॉप्टर के साउंड इफेक्ट, और हेलीकॉप्टर के कुछ को साउंड को मैंने स्लो कर भी यूज किया, उसमें लो पास इफेक्ट लगाकर भी यूज किया, एक्सप्लोजन के साउंड इफेक्ट्स, मेटल स्क्रैचेस, मेटल इम्पैक्ट्स, F1 कार साउंड्स लाइक फॉर्मूला रेसिंग कार साउंड्स, बाइक साउंड्स, जेट इंजन साउंड्स, एयरप्लेन साउंड्स, बुशेस, हॉरर राइजर, फैक्ट्री मेटल, फायर साउंड्स, हीट्स, एम्बर्स। और म्यूजिक मैंने बस बेसिकली यूट्यूब से उठा लिया था, तो लिंक तुम्हें नीचे मिल जाएगा। और म्यूजिक में मैंने सिर्फ उसमें दो ही ट्रैक यूज किए। सो नाउ आई टोल्ड यू एवरीथिंग, और इस सब के बाद हमने ये बनाया। इसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं, जैसे कि बैड रोटोस्कोपिंग, एनवायरनमेंट का रियलिस्टिक ना लगना, वो एक स्टाइलिस्टिक वे उसको मिली हुई है। आई मीन इट्स काइंड ऑफ रियलिस्टिक बट इन इट्स ओन स्टाइलिस्टिक वे, जैसे कि म्यूजिक वीडियोज होती है वहाँ पर सब रियल लगता है, बट एक अपना उसमें स्टाइलिस्टिक वे होता है। तो AI से जनरेट करने की वजह से हमें फुटेज में वो एक स्टाइलिस्टिक वे मिला, बट लाइक वो रियलिज्म टाइप वाला सीन नहीं मिला। और ऐसे ही उसमें बहुत से फ्लॉज है, बहुत से मैंने आइडेंटिफाई भी कर लिए हैं, बट मैंने कहा अगर मैं उन पे काम करता रहूंगा तो ये प्रोजेक्ट और लंबा खिंचता ही रहेगा, इट विल नेवर बी परफेक्ट, क्योंकि ये अपने आप में एक चैलेंज था कि सारे रियल और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स को हम कम्प्लीटली VFX से बना रहे हैं और CGI से रिप्लेस कर रहे हैं। तो मुझे लगा कि जितना भी प्रोजेक्ट बना है उसी को मुझे अपलोड करना चाहिए, और ऑडियंस से जितना भी रिव्यू वगैरह मिलेगा उससे ये ज़्यादा जल्दी बेटर बन पाएगा, और नेक्स्ट टाइम अपने फ्लॉस पर ज़्यादा आसानी से काम कर पाएंगे। सो या इनमें से बहुत से फ्लॉस को मैंने फिक्स करने का जुगाड़ कर लिया है, कुछ पर काम करना है, एंड आई प्रॉमिस इट विल बी फिक्स्ड इन द नेक्स्ट वीडियो।